सितंबर को मनाई जाने वाली भाद्रपद सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार की पावन देव नदी गंगा में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु चढ़ावा अर्पित करें। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पितर धरती पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री मंदिर के माध्यम से आप भक्तगण घर बैठे देव नदी गंगा में दीपदान, फूल और अन्य चढ़ावे अर्पित कर अपने पितरों की आत्मा को शांति और उनका आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। पितरों की कृपा से जीवन को संपूर्ण बनाएं। अपना चढ़ावा आज ही बुक करें और सोमवती अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता वदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मार तुहि शपथ। क्यों श्री गणेश जी की आराधना में भक्त लेते हैं मोदक दूर्वा और जनेऊ चढ़ाने का संकल्प, जानिए श्री मंदिर के साथ। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत की रचना के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से सहायता मांगी थी। तब भगवान गणेश ने चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक लेखन का यह कार्य किया था। मान्यता है कि तभी से गणेश उत्सव मनाने की यह प्रथा प्रारंभ हुई है। इस उत्सव में श्री गणेश की आराधना उनके प्रिय मोदक दूर्वा और जनेऊ चढ़ाकर की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दौरान स्वयं भगवान श्री गणेश पृथ्वी पर निवास करने आते हैं एवं कई भक्त बुद्धि समृद्धि एवं सौभाग्य के देवता श्री गणेश के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेकर प्रतिदिन उन्हें मोदक दूर्वा और जनेऊ चढ़ाते हैं। इस वर्ष श्री गणेश की आराधना पूरे 11 दिनों के लिए की जाएगी। इसी कारण इस वर्ष 11 दिनों के संकल्प का महत्व सर्वाधिक माना जा रहा है। श्री मंदिर की चढ़ावा सेवा के साथ इस वर्ष के गणेश उत्सव पर आप सभी भक्त संपूर्ण भारत में कहीं से भी पवित्र नगरी उज्जैन स्थित बड़ा गणेश मंदिर में लगातार 11 दिनों तक अपने नाम से संकल्प लेकर चढ़ा सकते हैं भगवान श्री गणेश को मोदक दूर्वा और जनेऊ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन को श्री गणेश का निवास स्थान माना जाता है एवं बड़ा गणेश मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां गणेश जी की प्रतिमा काशी, अयोध्या और हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थों स्थलों की मिट्टी, गुड़ एवं प्रमुख नदियों के जल से मिलकर बनी है। श्री मंदिर की चढ़ावा सेवा के माध्यम से बड़ा गणेश मंदिर के मुख्य पुरोहित जी द्वारा आपका संकल्प पूर्ण किया जाएगा एवं प्रतिदिन आपके फोन पर इसका वीडियो भी शेयर किया जाएगा। अभी डाउनलोड करें श्री मंदिर ऐप और बुक करें अपना चढ़ावा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। 7 सितंबर को गणपति बप्पा हमारे बीच 11 पावन दिनों के लिए विराजमान होंगे अपने भक्तों को अनंत स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। इन 11 दिव्य दिनों में आप भक्तगण पार्वती नंदन श्री गणेश की आराधना कर उनके स्नेह भरे हाथों से आशीर्वाद प्राप्त करें जो आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। आप भक्तगण इस गणेशोत्सव पर श्री बड़ा गणेश मंदिर में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 3, 5, 7, 9 या 11 दिनों का संकल्प लेकर श्री गणेश जी को मोदक, जनेऊ और दूर्वा भेंट कर सकते हैं। यह भेंट न केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है बल्कि गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करने का एक सजीव माध्यम भी है। कहते हैं गणेशोत्सव के दौरान जब गणपति बप्पा पृथ्वी पर आते हैं तो वे अपने भक्तों के हर कष्ट और पीड़ा का नाश करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी श्री मंदिर के द्वारा श्री गणेश की आराधना का संकल्प लें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधाष्टमी के पावन अवसर पर राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना के प्रसिद्ध श्री राधा रानी मंदिर में चढ़ाएं राधे राधे चुनरी श्री मंदिर के साथ। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव आता है जिसे राधाष्टमी के नाम से पूरे भारतवर्ष समेत ब्रजमंडल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राधा रानी की जन्मस्थली बरसाने में राधाष्टमी पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के परपोते राजा वज्रनाभ ने यहाँ श्री राधा रानी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में राधा और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है।
राधा रानी के कल्याणकारी आशीर्वाद की कामना में भक्त हर वर्ष राधाष्टमी के दिन बरसाने के पवित्र राधा रानी मंदिर में चुनरी और पेड़ा का भोग अर्पित करते हैं। यदि आप श्री राधा रानी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप श्री मंदिर के साथ पूरे भारत में कहीं से भी 11 सितंबर को राधाष्टमी के दिन श्री राधा रानी मंदिर में चुनरी और पेड़ा का भोग अर्पित कर सकते हैं और राधा रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं। राधाष्टमी के दिन पंडित जी आपके नाम से वैदिक रीति से श्री राधा रानी मंदिर में चढ़ावा अर्पित करेंगे और इसका वीडियो आपके फोन पर भी साझा किया जाएगा। अभी श्री मंदिर ऐप डाउनलोड करें और अपना चढ़ावा बुक करें।